हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देखे तो आप लोग समझ गए होंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, विंटर स्पीति। तो ऑलरेडी दिल्ली में भी तो इतनी ठंड पड़ चुकी है, मगर अब तो बनता है भाई कि स्पीति विंटर्स करा जाए। तो भाई आप लोगों से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी हैं, एंड जो मैंने खुद डिफिकल्टी फेस करी वहां जाके स्पीति जब समर्स किया मैंने, जो डिफिकल्टीज मैंने फेस करी वो भी मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अब आओ आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीज कैरी करना है अपने साथ में। नंबर वन, सो गाइस, जो आप विंटर के क्लोथ्स अपने साथ में कैरी कर रहे हैं, बट उससे 2 से 3 कपड़े एक्स्ट्रा कैरी करना, बिकॉज ऑफ जब वहां पे स्नो हो रही है इस टाइम पे, तो वहां का वेदर का पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी कब का में स्नो हो गई। तो उस हिसाब से आपको विंटर्स के कपड़े एक्स्ट्रा कैरी करके चलना अपने साथ में, आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि जब स्नो पड़ जाएगी किसी भी टाइम में, आप वेट हो जाएंगे कपड़े, तो भाई वेट कपड़े बिल्कुल मत पहनना, तबीयत खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसमें। आप किसी भी राइड पर अगर जाते हो तो भाई सेकंड थिंग आप जिप टाई जरूर लेके चलना, क्योंकि आप जब बाइक्स लेके चलते हैं, हम राइडर्स जब भी बाइक लेके चलते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारी बाइक में क्या सामान कब क्या खुल जाए, कुछ भी हो सकता है। और इवन आज के टाइम में हर कोई बंदा व्लॉगिंग कर रहा है तो बाइक एक्सेसरीज लेके भी चल रहा है, गोप्रो की अनदर कैमरा एक्सेसरीज या कुछ भी हो सकता है, बाइक का पार्ट भी हो सकता है। अगर वो लूज हो जाता खुल जाता तो आप उसे जिप टाइप से इजिली टाइट कर सकते हैं, एंड आप जहां अपने एटलीस्ट एक डेस्टिनेशन पे पहुंच सके उसे सही करवा सकते हैं। ये भी मेरे राइडर्स भाइयों के लिए ही है कि भाई आप अगर जैसे शूज पहन के चल रहे हैं, राइडिंग शूज पहनते हैं, वो वाटरप्रूफ कंपनी बोलती तो है, बट क्या होता है जब पानी का लेवल अच्छा होता है जहां पे वाटर क्रॉसिंग जाती है, वहां पानी का लेवल अगर अच्छा होता है, अगर आपके लॉन्ग बूट्स है तो लॉन्ग बूट्स के ऊपर से पानी चला जाता है, और भाई 2 से 3 दिन वो सूखने वाले नहीं है, आप कितनी कोशिश कर लो, और भाई विंटर्स में तो वैसे भी सूखने वाले है ही नहीं वो इतनी जल्दी। तो उस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उस चीज के लिए पॉली बैग का एक छोटा सा पैकेट आता है वो आप कैरी कर सकते हो, और जब भी आपको लगे कि आपके शूज वेट हो चुके हैं तो आप अपनी सॉक्स उतार के उस पॉली बैग को पहन के आप वही शूज दोबारा से पहन सकते हो। एंड जब भी आप अपने होटल पे पहुंचेंगे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, आप उसे सुखाने की कोशिश करें, और या फिर भाई आपका दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने कोई भी एक्स्ट्रा शूज कैरी कर सकते हैं। क्योंकि भाई अगर जब आप वेट शूज में अगर राइड कर रहे हो, आपने अगर मैं कह रहा हूँ 4 से 5 घंटा राइड भी कंटिन्यू करी वेट शूज में, तो भाई आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा हर टाइम कि मेरे शूज वेट हो रखे हैं। सेकंड थिंग भाई, अभी भी जो हमने रिसेंटली जो स्पीति समर्स किया था उसके अंदर 2 राइडर्स के साथ इशू हुआ कि उनके जब शूज भीग गए और पानी अंदर चला गया तो उनको भाई स्किन इन्फेक्शन हो चुका था। तो उस चीजों से बचने के लिए बेस्ट बेनिफिट है। नंबर 4 की अगर बात करी जाए तो भाई मेन चीज भाई अपनी, अगर आप लोग मेडिसिन लेते हो किसी भी चीज की तो अपनी मेडिसिन अपने साथ लेके जरूर चलना, एंड एक्स्ट्रा कैरी ही करना हमेशा अपने साथ में, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कि जहां पे मेडिकल स्टोर तो हैं, बट आप जो आपकी मेडिसिन है वो वहां पे मिले या ना मिले ये इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो भी मेडिसिन आप लेके चल रहे हो आप अपने साथ में एक्स्ट्रा कैरी करके चलना। तो ये तो हो गई हमारे पास में कि हमारे को क्या क्या चीज मैंडेटरी है अपने साथ कैरी करनी है, चाहे आप बाइक से राइड कर रहे हो चाहे फिर आप कार से राइड कर रहे हो, बट आपको ये चीजें जरूरी है विंटर्स के अंदर तो खास तौर पे ये कैरी करके चलना ही चलना। सो अब यहाँ बात करते हैं डे फर्स्ट की, आप अपनी राइड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो डे 1 के अंदर भाई आप अपनी राइड दिल्ली से स्टार्ट करते हैं और शिमला तक कवर कर सकते हैं, अराउंड 340-360 किलोमीटर से आप इजिली कवर कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपके पास बजट इशू है या फिर आप लेसर एंड चीपर रेट में अकोमोडेशन चाहते हैं या होटल चाहते हैं तो आप नारकंडा के अंदर रुक सकते हैं, शिमला से 65-70 किलोमीटर और आगे पड़ता है, नारकंडा में चीपेस्ट रेट में है, अकोमोडेशन से हैं वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, होटल्स भी अच्छे अच्छे हैं। ये नहीं कह रहा कि मैं भाई चीपेस्ट रेट के हिसाब से और चीपेस्ट ही होंगी चीज़ें, अकोमोडेशन जो है होटल्स हैं वो बेकार होंगे, नहीं ऐसा नहीं। अंदर शिमला के अंदर मॉल रोड के पास में या शिमला मार्केट के पास में ही आपको होटल्स वगैरह मिलेंगे, और स्टार्टिंग होती है वहाँ 1500 से स्टार्टिंग होती है, और आप जैसे 65-70 किलोमीटर आगे चले जाते हैं नारकंडा की तरफ में तो वहां पे आपको यही चीज 700-800 रुपीज से स्टार्टिंग मिल जाएगी। तो अगर आप राइडर्स हैं इकट्ठे राइड कर रहे हैं ग्रुप के साथ राइड कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा एक दिन का अकोमोडेशन, क्योंकि भाई आपने सिर्फ नाइट रुकना है और फिर सुबह फिर जल्दी उठ के आपको आगे चले जाना है। तो शिमला के अंदर आप एक तो मार्केट के अंदर भी जा रहे हैं और फिर आप पैसे भी ज्यादा पेड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो वर्थ नहीं है, आप नारकंडा स्टे ले सकते हैं फर्स्ट डे। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड डे की, सेकंड डे में आप लोग नारकंडा से चितकुल तक कवर कर सकते हैं इजिली, अराउंड 200 किलोमीटर से आप डे में कवर कर सकते हैं। बट उस बीच में क्या है, जब आप स्पीति विंटर्स कर रहे हैं तो विंटर्स के अंदर आपको स्नो मिलेगी वहां पे, और ब्लैक आइस पे आपको चलानी पड़ेगी बाइक हो चाहे कार हो, और जब ब्लैक आइस पे आप कार या बाइक कुछ भी चलाएंगे तो आपको 20-30 की स्पीड लिमिटेड रहेगी आपकी, इससे ऊपर नहीं जा पाओगे आप लोग। 200 किलोमीटर का रास्ता है और पहाड़ों का रास्ता, तो गाइस आप लोग आराम से हर एक व्यू को एंजॉय करते हुए चितकुल तक पहुंच सकते हैं, और इजिली राइड है 200 किलोमीटर की,
कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। हाँ आप विंटर्स में राइड कर रहे हैं तो आपको कुछ कुछ एरियाज में वहां पे स्नो मिल सकती है, और जहाँ स्नो होगी तो ब्लैक आइस पे आपको अपनी बाइक या कार चलानी पड़ेगी, और ब्लैक आइस पे आपको जब बाइक या कार चलाएंगे तो वो सीधी नहीं चलेगी, आपकी फिसलेगी वहां पे बाइक, तो इसलिए आपको स्लो स्पीड में निकालनी पड़ेगी वहां से। अब बात आती है डे थ्री की, आप चितकुल से लेके नाको तक कवर कर सकते हैं, जिस बीच में बहुत सारी डेस्टिनेशन ऐसी आएंगी जो आप अच्छे से व्यू करते हुए जाएंगे। बट चितकुल से जब आप निकल रहे हो तो आप चितकुल के व्यू भी मत छोड़ना, चितकुल के भी बहुत प्यारे व्यूज हैं, वहां से ओपन ग्राउंड्स हैं बहुत सारे, और वहां से जब माउंटेन्स देखेंगे तो आपको वहां से ही शुरू हो जाएंगे बर्फ के पहाड़ दिखना। वहां से जो माउंटेन्स देखेंगे आप विद कवर ऑफ फुल स्नो, बहुत ही मजा आने वाला आपको। तो जब आप चितकुल से राइड स्टार्ट करेंगे नाको के लिए, तो जिस रास्ते से आप लोग जाएंगे उस रास्ते में आपको पहले एक माउंटेन्स का एक ऐसे डोर सा बना हुआ दिखेगा आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, पहले वो देखो। तो इसी डोर की मैं बात कर रहा हूँ, आपने ये डोर देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पे पोस्ट करा था, जो स्पीडी समर्स किया जिन्होंने, या फिर रील्स भी देखी होंगी आपने बहुत सारी। तो ये वही डोर, और यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आता है। एंड जब इसी रास्ते से आप आगे चलेंगे तो एक सैंटोक ब्रिज पड़ेगा, स्पीलो से पहले सैंटोक ब्रिज पड़ेगा, आप उसकी भी इमेज एक बार देख लीजिए। ये सैंटोक ब्रिज है, ये ब्रिज बहुत ही प्यारा है, यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आएगा, नीचे रिवर है, ऊपर माउंटेन्स, बहुत प्यारा व्यू आएगा यहाँ से। एंड जब इसी रास्ते से आप स्पीलो के लिए निकलेंगे, स्पीलो से 35-40 किलोमीटर पहले एक लास्ट पेट्रोल पंप है, उसके बाद सीधा पेट्रोल पंप आपको काजा में मिलेगा। तो चाहे आप बाइक से राइड कर रहे हो, चाहे आप कार से राइड कर रहे हो, आप वहीं से फ्यूलिंग फुल करवा लीजिए, क्योंकि काजा से पहले आपको कहीं भी पेट्रोल मिलने वाला नहीं है। एंड जब आप फ्यूलिंग वगैरह करा के स्पीलो को क्रॉस करते हुए नाको की तरफ में पहुंचेंगे तो आपको वहां पे भी स्नो मिलेगी। आप वहां से वो चीज कवर करते हुए नाको पहुंचेंगे, आप वहां पे नाको में स्टे ले लीजिए, वहां पे बहुत सारे होम स्टेज हैं, अच्छे अच्छे होम स्टेज हैं, आप कहीं भी अपने हिसाब से जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप वहां स्टे ले सकते हैं। सो बात करते हैं डे फोर की, नाको वैली के अंदर आप लोग जब हैं तो भाई सुबह का व्यू मत छोड़ना, जब सनराइज का टाइम होगा 6-7 बजे के बीच में, तो वो टाइम मत छोड़ना, जब आप देखोगे तो नाको लेक पे जाके भाई जब सनराइज हो रहा होगा, सनराइज के टाइम पे आप देखना इधर लेक होगी, उधर से सूरज भगवान जी की परछाई हो रही होगी, जस्ट सामने माउंटेन्स होंगे बहुत प्यारे विद कवर ऑफ फुल स्नो, उसका जब व्यू आएगा ना वहां जाके अपनी पिक्चर्स क्लिक करेंगे आप इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया के लिए, बहुत ही बेस्ट आने वाली है, ये मेरी गारंटी है आपको। आपको जब आप नाको से निकलेंगे अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे काजा के लिए, तो 400-500 मीटर चलने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपके नाको हेलीपैड आएगा। नाको हेलीपैड बहुत बड़ा ग्राउंड है हेलीकॉप्टर के लिए, बट वहाँ हेलीकॉप्टर्स नहीं आते हैं, बट बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप ग्रुप फोटो कराना वहाँ पे, बहुत अच्छा ग्राउंड है। एंड जैसे ही आप उस ग्राउंड से बाहर आएंगे, बाहर की तरफ में ही एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, आप सुबह का ब्रेकफास्ट अपना वहां कर सकते हैं। वहां से ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके बाद जब काजा के लिए राइड कंटिन्यू करेंगे आप, तो रास्ते में ही एक रास्ता जा रहा है 11 किलोमीटर का है जियो विलेज का, राइट साइड में रास्ता आपको मेन रोड पे ही दिख जाएगा, आप लोग वहां जरूर जाना। वहां पे भी एक मोनेस्ट्री है और एक मम्मी है बहुत प्यारी, वहां पे स्क्रीन पे आ रही होगी आपके पास, तो आप वहां जाना, किसी भी लोकल गाइडेंस से आप इस मम्मी के बारे में पता करना, वहां के लोग जो स्टोरी बताएंगे आप उसको भी देख के खुद हैरान हो जाओगे कि क्या स्टोरी है, और जो जिन लोगों ने ऑलरेडी स्पीति किया तो उनको पता ही होगा वहां का व्यू कितना प्यारा है। वहां से जब आप वापसी आएंगे, वहां से उसी रास्ते से आपको वापसी आना पड़ेगा, फिर दोबारा काजा के लिए राइड कंटिन्यू होगी। तो काजा की राइड कंटिन्यू करने से पहले से आपको ताबो पड़ेगा, ताबो के अंदर भी एक मोनेस्ट्री है, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, तो यही मोनेस्ट्री है, ये भी बहुत प्यारी मोनेस्ट्री है, आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं, जब आपके रास्ते में ही पड़ेगी। एंड जब आप फिर ताबो से निकलेंगे तो एक धंकर मोनेस्ट्री पड़ेगी रास्ते में, राइट हैंड साइड में ही ऊपर रास्ता जा रहा होगा धंकर मोनेस्ट्री का, उसका भी अराउंड 7-8 किलोमीटर का रास्ता है। आप धंकर मोनेस्ट्री करते हुए वापसी नीचे आएंगे तो काजा के लिए, और आप अपना काजा में स्टे ले सकते हैं। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी स्पीति किया हुआ तो उनका भी क्वेश्चन और यहाँ पे होगा कि भाई मैंने पिन वैली क्यों नहीं बोला, आओ अगले पार्ट में बताता हूँ क्यों नहीं बोला। तो यहाँ बात करते हैं डे फिफ्थ की, बट मैंने इससे पहले वाले पार्ट में पिन वैली का नाम क्यों नहीं लिया उस बारे में बात करते हैं। भाई मैंने पिन वैली का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब हम समर्स में करते हैं तो वहां का एरिया ओपन रहता है, बट जब अगर विंटर्स की बात करें तो हमें बहुत कम चांसेस है कि वहां पिन वैली जाने तक का मौका मिले। बट जो लोग नए हैं उन्हें मैं बताता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट 5-7 विलेजेस हैं, एंड जो लास्ट विलेज है वो मड विलेज है वहां का। वहां जाने के मड विलेज पहुंचने के बाद ना आपके फोन के नेटवर्क आने वाले, ना को इंटरनेट कनेक्शन, इवन ना होटल्स होंगे वहां पे, सिर्फ होगा तो एक होम स्टेज होंगे, एंड एक लास्ट में जो मड विलेज में तारा कैफे है वहां पे आप स्टे ले सकते हो, उनका भी खाना बहुत अच्छा है एंड होम स्टेज भी है उनके पास में, अब वहां रुक सकते हो। बट वो एक डिपेंड करता है कि भाई आपको जाने का मौका मिलता है कि नहीं। काजा की बात करते हैं यहाँ से, काजा के अंदर आप लोग वन डे के अंदर ही लांगजा, हिक्किम, कोमिर ये जगह कवर कर सकते हैं, इसके बाद की मोनेस्ट्री
एंड चीचम ब्रिज। अब ये पांच जगह एक ही दिन में कवर कर सकते हैं इजिली। अब बात करते हैं यहाँ पे लांगजा की। लांगजा के अंदर एक बुद्धिज्म की बहुत बड़ी मूर्ति है, वहां से व्यू बहुत प्यारा आने वाला है। बट हाँ, अपने साथ एक मेडिसिन जरूर लेके चलना जब आप काजा पहुंच रहे हैं, तो वहां पे ऊपर हाइट पे जाने के बाद, क्योंकि जब लांगजा पहुंचेंगे, लांगजा हिक्कीम कोमिक जो ये जगह की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ऑक्सीजन इश्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो अपने साथ ऑक्सीजन को लेके जो मेडिसिन है वो कैरी करना मत भूलना। और मेरे को अभी नाम नहीं ध्यान आ रहा, अगर नाम ध्यान आ जाएगा तो मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगा। वो मेडिसिन जरूर कैरी करके चलना, क्योंकि वो हाइट पे है बहुत ज्यादा, और वहां ऑक्सीजन की इश्यूज बहुत सारे लोगों को हो जाती है। सेकेंड थिंग भाई हिक्कीम की बात करते हैं। हिक्कीम के अंदर पोस्ट ऑफिस है, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, आप लोग वहां पे जरूर जाना। उस पोस्ट ऑफिस से आप लोग अपने रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी वहां से एक पोस्ट कर सकते हैं। और पोस्ट कार्ड आपको बाहर एक कैफे है वहां पे मिल जाएंगे, और वहां के चार्जेस भी कोई ज्यादा नहीं है, एक फ्री में भी देते हैं वो पोस्ट कार्ड। उसके बाद 10, 20, 50, 100 ऐसे ऐसे उनके चार्जेस है वहां पे पोस्ट कार्ड के। और जब आप वहां से कैफे से पोस्ट कार्ड लेंगे तो नीचे पोस्ट ऑफिस है, नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ये सब पोस्ट ऑफिस दिख जाएगा। वहां से आपको टिकट लेनी होगी, टिकट लेके आप पोस्ट अपना कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कॉमिक की तरफ में। कॉमिक पे जब आप जाएंगे तो कॉमिक जो है वहां का लास्ट विलेज है। तो जब आप यहाँ जब पहुंचेंगे तो आप वहां के किसी लोकल गाइडेंस से आप वहां की चीजें देख सकते हैं, वो लोग कैसे वहां पे अपना जीवन बिता रहे हैं, मीन्स की इतनी ठंड होने के बाद भी वो कैसे अपनी चीजें सिटी से लेके वहां विलेज तक कैरी करके जाते हैं, कैसे वो लोग रह रहे हैं, कैसे उनका खाना पीना है, अब वो ये सब चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत मजा आने वाला जब आप कॉमिक पहुंचेंगे तो। अब वहां से बात करते हैं नीचे की तरफ में आते हैं और बात करते हैं की मोनेस्ट्री की। की मोनेस्ट्री जब आप देखेंगे, अंदर से एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद एक पॉइंट है वहां ऊपर की तरफ में, ऊपर आके खड़े होकर देखेंगे तो आपको वहां से काजा एंड की मोनेस्ट्री का जो व्यू है भाई बहुत ही प्यारा आने वाला है। जरूर से जाना की मोनेस्ट्री। एंड उसके बाद अब एशिया का हाईएस्ट ब्रिज जो है चीचम ब्रिज, इसे कवर करना बिल्कुल मत भूलना। ये पांच चीजें जो है आपकी काजा में रहते रहते एक ही दिन के अंदर कवर हो सकती हैं। एंड गाइस, जब आप ये पांच चीजें कवर कर लेंगे तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मत भूलना, जो काजा के अंदर लास्ट पेट्रोल पंप है आप वहां से फ्यूलिंग कराना सेम डे ना भूलें, क्योंकि गाइस वहां पे पेट्रोल का बहुत ज्यादा इशू है। दोपहर में आई थिंक 12 से 1 बजे के बाद वहां पेट्रोल मिलना शुरू होता है, या आई डोंट नो कि वो टैंक उसी टाइम आता है, क्योंकि जो हमारे साथ लास्ट टाइम इशू हुआ था वो यही सेम इशू हुआ था। हमें निकलना था सुबह 7 बजे, बट हम पेट्रोल की वजह से दोपहर को 1 बजे निकल पाए, वहां पे पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि वहां पे जो टाइमिंग है टैंक के आने का वो 12 से 1 का है, और एक ही पेट्रोल पंप है वो काजा के अंदर, जो आपको स्पीलो के बाद डायरेक्ट काजा के अंदर मिलेगा। तो जितने भी लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं वो सब स्पीलो के बाद से सिर्फ काजा के पेट्रोल डलवाते हैं। अब बात करते हैं डे 6 की। डे 6 आप काजा से ग्लोसर की तरफ में जा सकते हैं, बट हाँ उससे पहले आपको काजा में अपडेट लेना पड़ेगा कि कुंजुम पास में कहां तक आपको जाने दिया जा रहा है, क्योंकि कुंजुम पास जो जगह है वो आप अगर सर्किट स्पीडी सर्किट जो काउंट करें तो आप दिल्ली से राइड स्टार्ट करेंगे, शिमला, नारकंडा, कुफरी, ये सब होते हुए स्पीलो, काजा, काजा टू ग्लोसर, ग्लोसर से फिर राइड खत्म होती है आपकी कुंजुम पास से होते हुए मनाली, जो चंद्रताल वाले रास्ते से खत्म होती है। जब कुंजुम पास वाले रास्ते से आप लोग आते हैं तो वहीं से एक राइट साइड में सामने, जैसे आप माउंटेन से उतर रहे होंगे, पहाड़ों से उतर रहे होंगे, तो जस्ट सामने आपके एक चंद्रताल का रास्ता पड़ेगा, उसके बाद आप बातल की तरफ जो चाचा ढाबा है, और उसके बाद होते हुए आप मनाली आओगे, और वो रास्ता पूरा ऑफ रोड है। बट उस रास्ते में क्या होता है, उस रास्ते में कम से कम जब विंटर्स के टाइम में कम से कम 10 से 15 फुट की बर्फ पड़ी हुई थी पूरे रास्ते में, तो इसलिए वो रास्ता बंद कर दिया जाता है विंटर्स में। तो आपको काजा से ही अपडेट लेना पड़ेगा कि वो वहां पे जाने दे रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे हैं, और जाने दे रहे हैं तो कहां तक जाने दे रहे हैं। चंद्रताल एंड कुंजुम पास तो विंटर्स में आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपका सर्किट नहीं हो सकता। अगर आपको सर्किट करना है तो आप समर्स में कीजिए, जून जुलाई में हमने किया था जब स्पीति विंडर्स और हम कुंजू पास से होते हमने सर्किट कंप्लीट किया था, तो आप उसकी एक बार पिक्चर्स देखो कितनी कितनी बर्फ है जून जुलाई के अंदर भी, और वो बर्फ पिघल रही थी। अब यहाँ आप देख रहे हो कि अभी भी 6 से 7 फुट की बर्फ पड़ी हुई है इजिली, तो ये बर्फ पिघल रही, और यहाँ पे हमें बाइक चलाना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, और बहुत सारे राइडर्स हमारे साथ के ऐसे भी थे जो फिसल गई थी बाइक, क्योंकि ब्लैक आइस थी, ब्लैक आइस पे इजिली फिसल जाती, और ब्लैक आइस होने के बाद भी बर्फ पिघल भी रही थी, तो डबल इशू था हमारे साथ। अब आप ये वीडियो देख के खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि भाई जब जून एंड जुलाई में इतनी बर्फ पड़ी हुई है वहां पे, तो भाई विंटर्स में कैसे ही जाने दिया जाएगा। विंटर्स में तो फुल्ली कवर्ड होता स्नो से, और वहां रास्ता बंद हो जाता है और वहां नहीं जाने दिया जाता। बट हाँ,
अगर आप लोसर तक जा सकते हैं तो काजा से आप लोसर की राइड कर सकते हैं 6 डे की, और उस रास्ते में जो आपको माउंटेन्स की शेप्स एंड जो कलर्स दिखने वाले हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, आप उसको देख के बहुत ही ज्यादा खुश होगे। आपका मन खुद कहेगा कि भाई हाँ आज हम लोसर रुक रहे हैं खुद ही। इशू क्या है कि जब आपको विंडस पीति करेंगे पूरा लोसर तक आपका कंप्लीट हो जाता है एंड अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो कुंजुम पास तक ही मिलेगी, बाताल होते हुए आपको आगे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। अगर 1% आपको परमिशन मिलती भी है तो कुंजुम पास में आप जाके मंदिर जा सकते हैं एंड उसके बाद आपको वापसी आके लोसर से होते हुए सेम रूट आपको लेना है दिल्ली के लिए, क्योंकि आप वहां से कुंजुम पास से होते हुए वो रूट पकड़ के मनाली नहीं जा सकते, वो ऑलरेडी कवर्ड होगा स्नो से। ये पॉइंट को जरूर ध्यान रखना क्योंकि भाई जब आप स्पिलो से पहले जो पेट्रोल पंप है और जो काजा के अंदर पेट्रोल पंप है उस बीच में, फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है तो शाम को ही अपनी फ्यूलिंग करवा लेना। ये सबसे बड़ा अपडेट है वहां का, ये कोई नहीं बताता अपनी वीडियो में, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भाई खुद फेस किया हुआ इशू। तो शाम को ही फ्यूलिंग करवा लेना ताकि आप नेक्स्ट डे अगर आप दिल्ली की तरफ वापसी आ रहे तब भी, चाहे आप लोसर जा रहे हैं तब भी, आप सेम डे फ्यूलिंग करवा के रखेंगे तो आपको नेक्स्ट डे के लिए बेनिफिट रहेगा आगे अपनी राइड को कंटिन्यू करने के लिए। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो इंस्टा की आईडी मेरी स्क्रीन पे आ रही है, सेम आप वहां जाके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से आप इंस्टाग्राम पे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए अपने, आपको जो भी डिफिकल्टी फेस होती है या आपको लगता है कि अभी कोई क्वेरी ऐसी है आपकी जो मैं नहीं कंप्लीट कर पाया तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको वहां पे जवाब दूंगा। एंड सेकंड थिंग, जो भी मैंने राइडिंग सेफ्टी को लेकर वीडियो बनाई थी उसी को लेकर, राइडिंग गियर्स को लेकर मेरी सेकंड वीडियो जल्दी आने वाली है और उसमें मैं गिव अवे भी रखने वाला हूँ, बहुत बढ़िया सा गिव अवे रहेगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना बिना बिल्कुल मत जाना, जितना हो सके उतने लोगों तक शेयर करना ताकि वो भी उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए चंगा जी, सत श्री अकाल।